बैक टू माय चैनल दानिया मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आयु बहुत 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 अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं आप सबको बता देती हूँ कि मेरा उस दिन ब्लॉग क्यों बंद हो गया था, किस क्या कारण था मेरा ब्लॉग बंद होने का, तो आप सबको बताती हूँ। एक्चुअली उस दिन मुझे आपसे, जैसे कि आपको ब्लॉग में मैंने बताया ही था कि मेरी सासू माँ की तबीयत ख़राब हो गई, तो लखनऊ में एडमिट थी, तो दीदी लोग देखने के लिए गई थी। जब मुझे रात में कॉल आया कि इनका फ़ोन आया मुझे कि मैं मुंबई जा रहा हूँ मम्मी को लेके, तो मैं आपको सच बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्या हुआ ऐसा, जो मतलब मुझे नहीं पता, मम्मी के बारे में कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता था कि हाँ उनका पेट सूजा है, तो इस वजह से वो लखनऊ में एडमिट हुई हैं, लेकिन मुझे और कुछ नहीं पता चला। तो मैं जब फ़ोन रात में आया एकदम से कि आप मतलब मैं जा रहा हूँ मम्मी को लेके मुंबई, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा। जब उस समय में मैं इतना, आपको सच बताऊँ, मैं इतना रोई थी, मैंने वहीं मतलब ब्लॉग भी नहीं बनाया, मैंने सिर्फ पूजा करने का ब्लॉग, उसके बाद ही मुझे खबर आई। वो दिन मुझे सच में अभी तक मुझे याद नहीं करना है, वो दिन मुझे उस दिन में रोई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार मैं इनसे कभी दूर नहीं रही हूँ कभी, और इतनी दूर तो कभी नहीं, क्योंकि हरदोई से और मुंबई का सफ़र बहुत ज़्यादा वो दूर है, मतलब इस वजह से मैं अपनी सासू माँ को क्या हो गया थी, टेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी मुझे कि क्या हो गया ऐसा, कि मुझे कि उनको मुंबई भेजा जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर भी गई थी। दीदी के पास किया, दीदी बोली नहीं मैं अभी नहीं आ रही हूँ, मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ छोड़ने के लिए सासू माँ को। तो मैंने कहा अच्छा, बट मैं उस दिन इनसे मतलब मायके जाती थी, 4 दिन के लिए जाती थी, वापस आ जाती थी, मैं इतनी दूर नहीं रह पाती थी क्योंकि इनसे। और फिर अब ये दूसरा हफ्ता है, आप सब कुछ ये दूसरा हफ्ता है, तो मम्मी का वहाँ पे इलाज करवाने के लिए गए हुए हैं ये। मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ इस टाइम, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। और मैं सोचा सबको बता दूँ कि मेरा अधूरा क्यों छूट गया, तो अधूरा इसी वजह से मेरा ब्लॉग छूट गया था, क्योंकि मैं उस दिन नहीं ब्लॉग बनाने की इतनी कंडीशन में ही नहीं थी। और फिर दूसरे दिन मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था बहुत ज़्यादा, कि कब आएँगे कब नहीं आएँगे। आपको सच बताऊँ, मम्मी को मेरी कभी, सासू माँ को कभी ऐसी भी, मैं यहाँ पे दीदी की शादी के पूरे 14 साल हो चुके हैं, और 14 साल से मैं यहाँ पे आती जाती रही हूँ, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि मम्मी को कोई बीमारी हो, वो और वो भी इतनी बड़ी बीमारी हो, मतलब मैं सुन के हैरान हो जाती हूँ कि, तो पता नहीं क्या अचानक से क्या हो जाता है, पता भी नहीं चलता है। मेरी सासू माँ की तबीयत अब थोड़ा ठीक है, ठीक तो नहीं है क्योंकि अब तो उनकी परमानेंट दवाई चलेगी वहीं से ही, ठीक तो नहीं है बट हाँ तभी थोड़ी बहुत ठीक है, दवाई दे दी है डॉक्टरों ने, और यहाँ आ रही हैं, यही हफ्ते में आ जाएंगी, फ्राइडे तक ही आ जाएंगी। ये मेरा ब्लॉग आएगा ट्यूजडे या वनस्डे को आ जाएगा ये ब्लॉग मेरा, और मम्मी मेरी फ्राइडे को आ जाएंगी, सासू माँ ये भी आ जाएंगे, और मेरे देवर भी साथ में हैं, मेरे छोटे देवर शुभम भैया वो भी साथ ही में हैं उनके। ये सासू को बता दिया मैंने कि ब्लॉग क्यों बंद हो गया था, तो यही कारण था कि मेरी सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो बीमारी क्या हुई ये मैं आपको नहीं बता सकती मैं, ओके। सो यहीं पे अपने ब्लॉग को हम बंद करते हैं। आप सब, आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग से आप लोग पता चल जाए कि उस दिन मेरा ब्लॉग क्यों अधूरा छूट गया, तो ये इसी कारण अधूरा छूट गया था कि मुझे खबर आ गई थी एकदम से कि मैं मुंबई जा रहा हूँ और मम्मी को लेके, ये मुझे उस टाइम उन्होंने भी नहीं बताया कि क्या बीमारी है, मुझे नहीं पता चला। मुझे पता चला बीमारी के बारे में जब दीदी आई मेरी, तब उन्होंने बताया मुझे ये बात कि ये बीमारी हुई है मम्मी को। ओके, सो अपने ब्लॉग को बंद करते हैं। आई होप कि मेरे ब्लॉग पसंद आए आपको।
लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। सो बाय गाइस।